कुछ नहीं छूटा एग्जाम में। यह आप ही बोल रहे थे कल, यस जो बंदा मेरे बोर्ड के नोट्स बना लेगा अपने हैंड राइटिंग में और सर, मेरी क्योंकि वीडियो देख बुक में लेगा। ना पूरा फिर चैप्टर में कहीं से मतलब एकदम अंदर अंदर से वो परेशान होती हूँ, पढ़ना पड़ता है चैप्टर पढ़ना में। पड़ता है, नहीं पढ़ती इन्फॉर्मेशन। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज को आपके सामने ला के रख देता हूँ। जो जी चीज इंपॉर्टेंट सब आपके सामने आ जाती है और उसके बाद आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते भी हो, सब कुछ हो जाता है। हैव ट्रस्ट ऑन मी, हैव फेथ। मेरा जो मैं बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे करके ये टेक्निक आई है, इस लेवल तक पहुंचे हम, एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको और इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूव करूँ, ताकि मेरे बच्चों के लिए इतना आसान हो जाए केक वाक कि वो बोले कि सर पढ़ाई कौन बोलता है डिफिकल्ट है, पढ़ाई तो आसान है इफ इट इज टॉट प्रॉपरली। चलो अर्षा भी आ गई। नहीं, आई आई थिंक देर इज नो बडी मिसिंग नाउ। वंश इज देयर? गुड इवनिंग सर। हाय ऋत्विक, गुड यस इवनिंग। सर, अर्षा आई गुड एम इवनिंग। देयर। गुड इवनिंग सर। सिया एक बार नजर मार। अर्षा गुड इवनिंग। सिया एक बार नजर मार के बच्चे बता बता कोई मिसिंग तो नहीं। ओके गाइस, टाइम मेरे पास कम है, काम है ज्यादा, जल्दी जल्दी शुरू कर रहा हूँ। ऋत्विक, अर्षिया, सिया, कोई डाउट कल के चैप्टर में? सर अभिनव नहीं है। नो नो सर। ओके सर। थैंक यू। नो सर। ओके सो अभी के लिए आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग चैप्टर लैंड एंड सॉइल। सर शिखा भी नहीं है। शिखा तो आ गई, शिखा आ गई, शिखा आ गई। शिखा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ऑल राइट, अभी ना भी आ गए, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। चलो स्टार्ट एक्सक्यूज मी करते हैं। सर। हाँ जी, सर आस्क मी। आई हैव अ मैथ एग्जाम। आई हैव अ मैथ एग्जाम, सो आई सेंड यू सम ऑफ माय डाउट्स। सो कैन यू क्लियर देम मैथ एग्जाम है कब आपका? सर? डे आफ्टर टुमारो। ओके तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। सेंड इट टू मी। हाउ आई सेंड इट? ओके सर, आई सेंड इट अहेड सेंड अगेन। इट। चैप्टर टू, लैंड, सॉयल, वाटर। गाइस मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता जाएगा मैं दोबारा तुम्हें नया नया वो भेजूंगा लिंक, इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना टाइम बचाने के लिए, सो दैट चैप्टर से डिफरेंट। ओके भेज दिए क्या? जस्ट सेंडिंग। ऑल राइट, मीन वाइल आई जस्ट वॉन्ट टू कवर सर्टेन थिंग्स गाइज। देर आर सर्टेन टर्म्स विच यू मस्ट नो यूज फॉर सॉयल प्रिजर्वेशन। सर आई सेंट इट। ओके, सॉयल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड्स अपनाए जाते हैं जो साइंटिस्ट ने स्टडी करके फार्मर्स को बताया कि तुम लोग ऐसे करो, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम है कब अपना? 8th का SST फ्राइडे, तो आई हैव ओनली टुडे एंड टुमारो। ऋत्विक दैट्स राइट। ऋत्विक बोलने में इतना टाइम लगाता है जैसे पता नहीं सोलर यस साउथ पोल पे बैठा हो। ओके ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आफ्टर दिस चैप्टर वी हैव अंडरस्टैंडिंग लॉज, इजी चैप्टर। पावर रिसोर्सेज भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो लंबा नहीं है, डिफिकल्ट तो क्या कुछ भी नहीं। ओके मैं श्रीका के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल सर, कैन। मेरा हाँ 22 को अरे है बच्चे, ये एसएससी तूने के बताया था चैप्टर्स ये एसएससी के। तेरे श्रीका तेरे ये है ना, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को टाइम नहीं लगा, मुझे पता तूने पहले भेजे थे, मैं भी तेरे को बता देता हूँ बेटा। सुन तेरी वर्किंग दिखा रहा हूँ मैं सबको, आई एम शेयरिंग योर वर्किंग विद एवरीवन। गाइस देखो ये वर्किंग करी है श्रीखा ने, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। मुझे मतलब मैंने डिटेल नहीं देखा, फर्स्ट ग्लांस देखा। ओके श्रीखा देखो ये था आपका, तो आपने ब्रैकेट खोल लिए ऊपर। ओके फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट खोला तो आपका माइनस, आपने सारे साइन चेंज कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया और इसको यहाँ सॉल्व कर लिया। अब ये -8a +8a हो गया, अब फिर साइन चेंज हो गया, -8a +2b +3c। ओके देन कम्स योर, इसको सॉर्ट आउट कर लिया आपने, सी सी को मिला दिया, 4 7c हो गया। उसके बाद फिर आपने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद अच्छा ये एक स्टेप आपने कम किया, यहाँ पे अंदर क्या हुआ, तो आपने एक स्टेप गुम कर दिया बच्चे इधर। ओहो एक स्टेप तूने मिस कर दिया, मैं देखता हूँ क्या है। तो जैसे ही आप करोगे 5a, शिखा देख रही है तूने क्या बीच में स्टेप क्यों गायब किया? शिखा सर मैंने वो स्टेप भी किया था, बट पापा ने बोला उस स्टेप की जरूरत नहीं है। है बच्चे, क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं। एनीवे
मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस सेवन सी हो गया, प्लस एट ए हो गया, और माइनस टू बी, टू बी कैंसिल, टू बी कैंसिल, एट ए माइनस सी है हमारे पास, एट ए माइनस सी का फिर से साइन चेंज होगा, तो एट ए का माइनस एट है, सेवन सी का प्लस एंड फाइव है। करेक्ट आंसर आपका करेक्ट है, बट अगर आप मेरे बच्चे होते, मतलब बच्चे तो मेरे वैसे भी तुम, लेकिन होते तो मैं बोलता कि वो स्टेप भी करो। मैंने बड़े बड़े बच्चों को देखा हुआ है, मेरे खुद के बच्चों को देखा हुआ है, अपने मेरे दोनों बेटों को देखा हुआ है, और अपने स्टूडेंट्स को देखा हुआ, तो एक स्टेप मार्क मिस करने की कोशिश करते, पूरा पूरा क्वेश्चन गलत, उन्हें लगता है हम मेंटली कर सकते हैं। मेरी टीचिंग है कि हर स्टेप करो, छोटे से छोटा स्टेप करो, आपको क्लास में फील अच्छा फील होगा, एग्जाम में ना फील गुड आएगा, अंदर से भरोसा आएगा। अगर वो स्टेप मिस करोगे तो कहीं ना कहीं डाउट सा रहता है, अरे यार पता नहीं ठीक हुआ गलत हुआ। योर आंसर इज करेक्ट, ओके माइनस सर, थ्री ए प्लस सेवन सी इज द बेटर वे ऑफ राइटिंग इट, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट माइनस थ्री ए प्लस सेवन सी। ओके सर, ओके, सेकंड क्वेश्चन, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे मुझे बता दो, सो दैट वंस आई डील विद दीज क्वेश्चंस आई विल कीप इट इन माइंड कि किस किस को नहीं आया था। ब्रैकेट के अंदर 2a से डिवाइड किया तो आ गया 18a³, 18a³ एंड 6a³, 24a³, 24a³, ये अच्छा a को तो 9 क्यों बना दिया, 24a³, 25, एक मिनट, 9, हाँ ठीक है, ओके 9, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 15 3 डिवाइड -9a³, -9a³ यहाँ पे आया, 5a³ यहाँ पे आया, 5a³, ओके, एंड देन यहाँ पे आया 60, ये एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन है, साथ में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसको आपने डिवीजन किया तो आपका, एक तो तू यार श्रीका तेर से उम्मीद नहीं है मेरे को, ए को 9 की तरह बनाए, 5a³ डिवाइडेड, तो 12a³, 12a³ माइनस 9, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, 3a³, ओके सर, ओके आगे देखते हैं, एक्स माइनस, तो ये आएगा एक्स माइनस 2x माइनस वाई, सो आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ओपन ब्रैकेट, प्लस 2x प्लस 2y, ठीक है, सो माइनस, देख यहां भी एक स्टेप तूने कम किया है, करना नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए स्टेप, वाई यहाँ पे तेरा 3y है, 3y माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y, नहीं ये तो स्टेप तूने ठीक किया, यहाँ एक स्टेप हो सकता था 3x वाला, 3x, 3x माइनस 2y माइनस, ठीक है, x माइनस 5y, ब्रैकेट खोलेगी तो माइनस x प्लस 5y आ जाएगा, बराबर x, करेक्ट है तीनों भाई, ओके ऑल सर, थ्री क्वेश्चन आर करेक्ट, एब्सोल्युटली नाइस प्रेजेंटेशन, वेल डन श्रीका। मुझे, मैं यही चाहूंगा कि एक स्टेप जो बीच में खाया उसको भी मत खाओ, नहीं तो मेन एग्जाम में गलती हो सकती है, मार्क्स पूरा जा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, टीचर जो है 5 में से 4 में से 1.5 देगी, ठीक ओके सर, है, दिस इज माई माई लेसन, माई टीचिंग, माई एडवाइस टू यू, ओके सर, राइट। बाकी तो सब मैं रीड करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मुझे समझानी है। श्रिखा, सिया, अर्शिया, प्रभगुन, शिव चौधरी, तस्मिया, सब लोग ध्यान दो, जिसका मैंने नाम ले लिया वो भी ध्यान दो, अर्नव, अभिनव, कुछ टर्म्स बता रहा हूं उनको एक्सप्लेन करो। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन और सॉयल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, सेम थिंग राइट, रिड्यूसिंग सॉइल पॉल्यूशन। नहीं सॉयल पोल्यूशन अलग चीज है, सॉयल पोल्यूशन के लिए तो आपको केमिकल डालना पड़ेगा तब सॉयल पोल्यूट होगी, कंजर्वेशन अलग चीज, बारिश आई टॉप सॉयल ले गई, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों चीजों में, फर्स्ट इज मल्चिंग, मल्चिंग के अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, जो जो उनका फार्म है, जो भी उनको लगता है कि ये जमीन जो है ये यहाँ पे मेरा फील्ड है और फील्ड मेरा खाली पड़ा है, बारिश आई तो सारा ले जाएगी, विंड आएगी तो ले जाएगी, तो व्हाट दे डू इज दे कवर इट, कवर इट विद व्हाट, स्ट्रॉ और लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस,
भूसा घास सब इधर इधर फैला देते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली। इसका फायदा क्या है, एक तो टॉप सॉइल सेफ रहती है, सेफ, और दूसरा जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज प्रोटेक्टेड। जब 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 आपको इनको वो करनी होती है अपना, जब अपनी फार्मिंग करनी होती है तब इसको हटा देते हैं लग के। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंटेंसिव काम है, इट्स वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क। ओके, नेक्स्ट कम्स कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर, कंटूर फार्मिंग साथ साथ बताता हूं। कंटूर फार्मिंग, इसी के साथ कंटूर प्लोइंग भी बताना पड़ेगा। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन कंटूर नहीं है, वो जानबूझ के मैं तुम लोगों को स्पेलिंग सिखाने के लिए बोलता हूं, अदर इज कॉल्ड कंटूर, कंटूर, कंटूर प्लोइंग। पहले तो हम ये समझें कि कंटूर क्या होता है, व्हाट इज कंटूर, कंटूर भी बोलते हैं, कंटूर भी बोलते हैं। सो दोस्तों क्या होता है, पहाड़ों के अंदर ऐसे पहाड़ है एक, इस पहाड़ पे अब कैसे कैसे खेती करे बंदा, उसको खाना तो चाहिए, कहां जाएगा वो। तो पहाड़ वाले क्या करते हैं, इस एरिया को काट के ना यहां पे ऐसे स्टेप बना लेते हैं, फिर एक एरिया को काट के स्टेप बना लिया, फिर एक एरिया को काट के स्टेप बना लिया। तो जो ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई स्टीप है, उसमें तो ये जगह कम मिलती है उसको। लेकिन लाओ, लेट्स हैव अ लुक ऑफ अनदर साइड ऑफ द माउंटेन और अनदर माउंटेन विच यू लाइक दिस। नाउ इफ यू कट दिस मच ऑफ एरिया यू विल गेट अ प्लॉट लाइक दिस। ये वाली मिट्टी हटा दी, पूरे पहाड़ को काट काट के स्टेप्स बना दिए। अभी नाउ गेटिंग इट, नाउ विच इज द एरिया दैट दे विल यूज फॉर फार्मिंग। अभी ना ये एरिया को यूज करेंगे, ये एरिया, दिस इज कॉल्ड टेरेसेस। टेरेस क्या होता है, बालकनी को टेरेस बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज अनदर वर्ड, कंटूर फार्मिंग टेरेस फार्मिंग इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब उस बंदे के खेत कैसे बन गए, देखो ऐसा खेत बन गया है, यहां उसने कुछ बोया हुआ है, उसके बाद एक अगले वाले स्टेप में थोड़ा सा नीचे एक और उसका फार्म है, ऐसे यहां उसने कुछ बो दिया, उसके बाद एक और अगले वाला, वो भी इसका ऐसा आ गया इसके पास, ये भी इसका खेत है। सो सिंस दीज आर इन सर्कुलर शेप, सर्कुलर इज इक्वल टू कंटूर। कंटूर वर्ड कहां से आता है, जो मैप होते हैं मैप्स के अंदर हर एक 25 मीटर हाइट पे एक लाइन खींची होती है रेड कलर की, उसको बोलते हैं कंटूर, और सारे का सारा ये वर्ड कंटूर वहीं से आया है, दीज आर कॉल्ड कंटूर्स। नाउ लेट अस लुक एट द कंटूर बैरियर फर्स्ट। सो व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हेन द रेन वाटर इज कमिंग, रेन्स आर हैपनिंग, और उत्तरांचल वगैरह तो बादल बादल खूब फटते हैं, हिमाचल में बादल खूब फटते हैं, पानी आ रहा ऊपर से, और जब पानी आएगा भाइयों, ना तो तुम्हारी टॉप सॉइल बचनी, ना तो तुम्हारी फार्मिंग बचनी, ना तो तुम्हारी क्रॉप बचनी, सब बह जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। उसको कम करने के लिए, टू मिटिगेट दैट डिसएडवांटेज और दैट लॉस, दी थ्री टेक्निक्स आर यूज्ड। नाउ फर्स्ट इज कंटूर बैरियर। व्हाट इज डन इन कंटूर बैरियर, सी दिस इज योर कंटूर। व्हाट यू विल डू इज, इन नॉर्मल वे से यू विल पुट सम स्टोन्स हियर, स्टोन्स लगा दोगे, कुछ बुशेस लगा दोगे। What do you want? What are you trying to do? You are trying to do कि पानी यहां आए तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए,
अर्शा अंडरस्टूड, यू वांट टू स्लो डाउन द वाटर, अगले टू एंड दोनों और थोड़ा स्लो हो जाएगा और उसमें थोड़ा स्लो, फाइनली इतना नुकसान नहीं करेगा जितना तब कर देता जब आपके कंटूर बैरियर नहीं होते। और इसी का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कंटूर बैरियर के आगे पानी की ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब तो सबको पता होगा ट्रेंच क्या होता है, इट इज इट्स आर्मी टर्म, आर्मी से आता है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब हम लोग क्या जनरली क्या आता है, हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है कहीं भी जाओ पहले ट्रेंच खोद लो, उसके अंदर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन का जब फायर आता है बॉम्ब गिराए जाते हैं, आर्टिलरी फायर आता है, बॉम्ब्स आते हैं, तो हम इसके अंदर घुस जाते हैं, तो बॉम्ब क्या होते हैं ऊपर से निकल जाते हैं, हम लोग सेफ होते हैं क्योंकि हम गड्ढे के अंदर बैठे हुए। तो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। तो ये क्या करते हैं, कंटूर बैरियर के आगे एक ट्रेंच बना देते हैं, तो कुछ कुछ पानी उसके अंदर भर जाएगा और जो थोड़ा सा आगे भर जाएगा, थोड़ा सा निकलेगा तो आगे चला जाएगा, फिर भर जाएगा कोई बात नहीं, वो भरे हुए पानी से अपने को नुकसान नहीं है, वो अपने कल काम आ सकता है। उस भरने ने क्या किया, उस ट्रेंच ने क्या किया, पानी को स्लो डाउन कर दिया, ऊपर से जो पानी चला था वो धीरे 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 थोड़ा 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 होते हुए। अर्णव गॉट इट, सिया गॉट इट, अर्षय गॉट इट, यस सर, अभिनव, प्रभगुण, तस्मिया, सब लोग कंफर्म करो, वंश, यस सर, संजील, यस सर, सब लोगों को समझ आया। तो ये दिस कंटूर बैरियर इज दिस एंड कंटूर के अंदर ट्रेंच बनाना है दिस। नाउ नेक्स्ट कम कंटूर प्लोइंग। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा ऐसा फील्ड है यार ऊपर से पानी आता है, अगर मैं ऐसे प्लोइंग करूंगा अपने पानी के गड्ढे ऐसे खोदूंगा, प्लोइंग तो सबको पता है थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, थोड़ा सा इस टाइप का थोड़ा सा इस टाइप का गड्ढा टाइप का हो जाता है ऐसा, इस टाइप से यहाँ पर। तो अगर मैं ऐसे करूंगा अपनी प्लोइंग तो होगा क्या, जितना मेरा पानी आ रहा ऊपर से उस सबको ले जाएगा साथ में अपने, पानी यहां से निकलेगा। लेकिन अगर मैं समझदार हूं, इफ आई एम इंटेलिजेंट स्मार्ट गाय, व्हाट आई विल डू इज आई विल डू माय प्लोइंग लाइक दिस, उससे क्या होगा हर लेवल पे इस बंदे को एक ओपन चैनल नहीं मिलेंगे, हर लेवल पे थोड़ा सा पानी स्लो डाउन होगा और उसकी वजह से मेरा जो सॉयल का जो लॉस है, जो मेरी सॉयल बह के जा रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंटूर फ्लोइंग। इसी से पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने, बाकी सब फालतू है कि पानी को कैसे प्रिजर्व करना, नोबडी आस्क यू व्हाट हाउ टू कंजर्व वाटर। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा डाले जाते ताकि हर बच्चा पास हो जाए, वो इजी टाइप के क्वेश्चन में दो मार्क्स का आ सकता है, अदरवाइज जो डिफिकल्ट स्कोरिंग मार्क्स है वो यही इसी से मिलेंगे। Now I'm coming to this. So this was contour plowing. And now talk about contour farming. So contour farming is just related to contour plowing. हम ऐसे farming नहीं करते, ऐसे नहीं बनाते अपने tree ऐसे नहीं लगाते। हम कैसे लगाते हैं? हम contour के साथ लगाते हैं। जैसे हमारा contour है, हमारी एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी। So again reason is जब ये plantation हो गई यहाँ पे और लेटर से पानी ऊपर से आ गया तो दे विल स्टॉप द वाटर फ्लो। स्टॉप तो नहीं करेंगे, दे विल रिटार्ड और स्लो डाउन, रिटार्ड वाटर फ्लो। ओके, तो मेरे ख्याल से मेजर पार्ट इज ओवर। नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। अच्छा, रॉक डैम तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आपके पास इतने पैसे नहीं है गवर्नमेंट की तरह के आप डैम बना सको, कोई बड़ा सा डैम बन जाए, ये नहीं है। तो आप क्या करते हो, रॉक्स को इकट्ठे कर लेते हो और रॉक्स की हेल्प से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हो विच विल स्लो डाउन वाटर थोड़ा सा। जब आप उसके बीच में कहीं कहीं जगह भी छोड़ देते हो, तो कभी पानी मेरे को निकालना हो तो मैं यहाँ से निकाल सकूं, ऐसा करके। तो रॉक्स से जो डैम बनाते हैं फार्मर्स टू स्लो डाउन वाटर, स्लो डाउन वाटर फ्लो। ऑलराइट, सिक्स्थ इज इंटरक्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी यूज वर्ड होता है इंटरक्रॉपिंग में, स्ट्रिप क्रॉपिंग और विंटर क्रॉपिंग, विंटर क्या, सॉरी, इंटरक्रॉपिंग। तो क्या करते हैं अपन, अपने पास ही फील्ड है भाई, मैं क्या करूंगा, इधर लगा दूंगा शुगर केन,
बड़ा ऊंचा ऊंचा मोटे मोटे हुआ है, ठीक है, उसके बाद नीचे लगा दूंगा कोई लो लेवल का, कुछ थोड़ा लो हाइट। मैं फोटो दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को इसकी, सब लो हाइट, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पे लगा दूंगा धनिया पुदीना मिंट वगैरह, जो कि बिल्कुल बदल। उसके बाद फिर शुगर केन, इससे क्या होगा, विंड आए या वाटर आए ऐसे जाए तो आपके उसका स्लो डाउन हो जाएगा और आपको लॉस ऑफ सॉइल उतना ज्यादा नहीं होगा। एक आता है शेल्टर बेल्ट्स। तो क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा विंड हवा चलती है, ठीक से लिखता हूं, शेल्टर बेल्ट्स। तो बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं, ये फील्ड है बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो वहां पर किसान क्या करते हैं, जो उनकी जो उनका जो बाउंड्री है उस पर ट्री लगा देते बड़े बड़े, तो लाइन ऑफ ट्रीज इट स्लोज डाउन विंड। और अगर खेत आपका खाली भी है तब भी आपकी सॉयल उड़के नहीं जाएगी, तो इट प्रोटेक्ट्स द सॉयल। Guys, any particular thing that you have not understood? Tell me. बाकी चैप्टर में कुछ नहीं बचा। वाटर साइकिल तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसको तो मैं दो मिनट में खत्म करता हूँ। ओके, पहले थोड़ा सा दिखा, फोटो दिखा देता हूँ। ओके, just give me a moment. I'm sharing now. Understand each of these one by one. Right. So, mulching. Mulching के अंदर क्या करें, देखो घास डाल दी बीच में, देखो बीच में ये घास डाल दी, कवर कर दिया जाता है किसी ना किसी चीज से ताकि उसका सॉयल का मॉइस्चर बचा रहे, और अगर कोई एयर वगैरह आए तो सॉयल उड़े भी ना, पहली बात, और दूसरा बेसिकली उसका मॉइस्चर एवोपरेट होके ऊपर ना जाए। मल्चिंग, मल्चिंग क्लियर टू एवरीवन गाइस, कंफर्म करो एक बार। यस सर, यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। योर कंटूर बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स। हाँ भरत, हाँ विभोर, विभोर बोल। अरे नाइन्थ की क्लास करवानी है आज, नहीं नहीं मेरे को तो कहीं जाना है इसलिए मैं तो, नहीं तो फिर कैंसिल करनी पड़ेगी। अच्छा तो क्या तुम्हारा पूरे दिन कॉलेज रहता है क्या? गाइस जस्ट हैव अ लुक, चलो मैं, अच्छा चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ फिर अभी। चल ठीक, चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके गाइस। सी सो क्या बंदा कर रहा है, बंदे ने लगा दी यहाँ पे कुछ कुछ पत्थर वत्थर लगा दिए इधर, उसको अपने कंटूर के साथ, यानी जो कंटूर आपका चल रहा है उसी के साथ साथ लगाना है काम, ये काम जो कंटूर बैरियर का काम उसके साथ साथ ही करना है, हमें बैरियर बनाने, हमारा मेन काम यह है कि हम लोगों का पानी जो ऊपर से आ रहा है उसका फ्लो को स्लो डाउन करना है। ऋत्विक क्लियर, सिया हर्षिया क्लियर, देखो ये इनको कंटूर बोलते हैं बेसिकली, कंटूर फार्मिंग का, देखो ये कितना बढ़िया सुंदर फोटो है, ये इसको कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, ये कंटूर फार्मिंग होती है माउंटेन्स में होती है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कम्स कंटूर बैरियर, कंटूर प्लोइंग भी साथ, ये बाकी सब तो सेम सही लग गया तुम्हें, या कंटूर प्लोइंग मतलब आपकी जो प्लोइंग पूरी आप कर रहे हो कंटूर के साथ साथ, ये देखो ये स्लोप है और आपने इसको कंटूर है, तो आप स्लोप के साथ साथ लंबी लंबी लाइनें नहीं बना रहे ड्रेन टाइप के, पानी से ऊपर आए पूरा नाली के अंदर चला जाए, नहीं आप उसको रोक रहे हो हर लेवल पर, रोक रहे हो कंटूर के साथ साथ। तो बस जिसने कंटूर वर्ड समझ में आ गया उसको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट
फरोज, फरोज बोलते हैं इसको, जो जिसमें से हल निकलता है, इसमें प्लाउ निकलता है इसमें से। ऑल राइट, बाकी ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, फार्मिंग बेसिकली ऐसी फार्मिंग करनी है कंटूर के साथ 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 चलनी है, ऐसे कंटूर के साथ साथ चलना, हमें सीधी लाइन नहीं बनानी, कंटूर के साथ साथ फार्मिंग करनी। ये हो गया टेरेस फार्मिंग, मैंने बता दिया कंटूर फार्मिंग को ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। टेरेस फार्मिंग कंटूर फार्मिंग इज वन एंड द सेम थिंग। ये कहाँ होता है, चाइना में भी बहुत होता है, बाकी बहुत बहुत कंट्रीज के अंदर होता है जहाँ माउंटेनस एरिया है। ऑलराइट, और नाउ आई विल टेक यू टू इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, ओके, सो इंटरक्रॉपिंग में देखो कर क्या रहा है, थोड़ी सी हाइट वाली मेज यहाँ लगा दी, बीच में कुछ और दूसरा वो लगा दी, क्योंकि हाइट डिफरेंस की वजह से दे प्रोवाइड ए बैरियर टू द विंड्स एंड ऑल्सो वाटर समटाइम्स। ठीक, हाइट्स अलग अलग है इंटरक्रॉपिंग। एंड लास्ट में दिखाते हैं आपको रॉक डैम एंड शेल्टर बेल्ट। रॉक डैम, बिल्कुल, रॉक डैम मतलब जो सरकार ने पैसा वैसा नहीं दिया बहुत ज्यादा, लोगों ने अपने हिसाब से बना के बना रखा, ये तो सरकारी डैम है प्रॉपर टाइप का, दिस इज नॉट अ रॉक डैम। हाँ, एक कुछ रॉक डैम हैं जो सरकार ने बना रखे हैं, जैसे साउथ इंडिया में है कुछ रॉक डैम्स हैं जो गवर्नमेंट बनवाती है, लेकिन जनरली लोग रॉक डैम बनाते हैं अपने पैसे से, ये इस टाइप का रॉक डैम, या पत्थर लगा दिए थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, ये रॉक डैम बना दिया, इस टाइप का रॉक डैम बना दिया, ये सब रॉक डैम है बेसिकली टू स्लो डाउन द वाटर फ्लो। एंड लास्ट में मैंने क्या बोला था आपको, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, ओके, सो ये आपका वो है, ये आपका फील्ड है, इस पर आपने ट्री की पूरी लाइन लगा दी ताकि हवा चले तो आपका नुकसान ना कर सके। प्रोटेक्टेड जोन है, यहाँ से हवा आएगी, ऊपर से जाएगी, हवा का ब्रेक हो जाएगा, विंड विंड की जो वो हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी जो स्पीड है, और आपकी जो फील्ड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। बस यार पूरे चैप्टर के अंदर कहीं से ऋत्विक सियाज या क्वेश्चन आएंगे तो यही से आएंगे भाई, यही है मेन मुद्दा चैप्टर का। ओके चलो, मैं जल्दी से क्विक रीडिंग करा के फटाफट इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आज ये चैप्टर ही हो पाएगा क्या? या दिस वाज विच चैप्टर, चैप्टर टू, टू ज्योग्राफी। All right. कुछ बीच में से ना स्किप कराऊंगा, ओके, जो मुझे लगता है कि इतना वैल्यू फॉर टाइम नहीं है आपके। ये हो गया दोस्तों, ये हमने सब कर लिया था। पेरेंट रॉक है जो कि सबसे नीचे की रॉक है, सारी की सारी सॉइल उसी से बनती है, वही टूट फूट फूट के वही सॉइल बनाती है, ठीक है। देन रिलीफ यानी कि ऑल्टीट्यूड कितना है, स्लोप कितना है, कितनी मिट्टी, आपने सेंड कर लिया ग्रुप में? हाँ ग्रुप में, हाँ थैंक गॉड, कल किया था ग्रुप में, मैं दोबारा कर देता हूँ, आई थिंक मैंने कल किया था, फिर भी दोबारा करता हूँ। सो दिस इज चैप्टर टू, आई एम सेंडिंग इट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइंस थोड़ी है, दिस इज दैट ना, ओ मैंने रीसेंड कर दिया, कर दिया, ठीक, रिसेंड कर दिया जिया ने, चलो ठीक है, आ गया, आ गया, दोनों चैप्टर आ गए, ठीक, राइट 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 राइट, फिर हो रहा है, ओके। क्लोराफोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट करते हैं सॉयल को, जिस तरह के कीड़े होंगे छोटे छोटे वो करेंगे, जिस तरह के वो एनिमल्स हैं, कितनी पॉटी कर रहे हो वो, कैसा कैसा वो कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या छोड़ दिया क्या खा लिया, उससे डिपेंड करेगा सॉयल के ऊपर क्या क्या वो आ रहा है। और क्योंकि जो भी उनका एक्सक्रेटा है वो सॉइल के अंदर मिक्स होता है, उससे सॉइल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिलती है, उसी हिसाब से होगा। क्लाइमेट कैसा है,
जो रॉकी एरिया उसके अंदर टेम्परेचर कैसा है, सैंडी एरिया, एंड टाइम, कितना टाइम हो गया उस जगह पे, डिफाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल, सॉइल डिग्रेडेशन देख लिया, ये सब मैंने अभी समझा दिया तुम लोगों को, इसको छोड़ देते हैं, वाटर छोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर से दो वन क्वेश्चन वन 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 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ओके, एक तरफ से शुरू कर रहा हूं मैं दोबारा से, आई थिंक जो कोई अगर कोई अभी भी बचा हुआ है तो मेरे को बता देना। अभिनव प्लीज स्टार्ट दिस पॉइंट नंबर 19। सर एम आई ऑडिबल? या गो अहेड। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। द ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेशन ड्यू टू इट्स सॉल्टीनेस। फ्रेश वाटर इज जस्ट अबाउट 2.7% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ, whereas 70% of 70% of this occurs in the form of ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to the location they are inaccessible. Inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, surface water of rivers, lakes and as water vapor in the atmosphere. सर आपका माइक। या गाइस आई जस्ट वांट टेल यू समथिंग, हमें हमें लगता है बहुत पानी दुनिया में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, टोटल फ्रेश वाटर ही 1% है, और फ्रेश वाटर सारा का सारा कहाँ है, जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ग्लेशियर्स के अंदर बर्फ जमी हुई, वो है हमारे कंजम्पशन के लिए, आई थिंक 0.3% है, क्योंकि इस फ्रेश वाटर जो 1% है इसका मेजर पार्ट ग्लेशियर्स में, एक मेजर पार्ट ग्राउंड के अंदर नीचे है ग्राउंड वाटर, और कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेरिक वेपर्स के रूप में। हमारे लिए पानी कहाँ है, हमारे लिए रिवर और लेक्स में बस, आजकल ग्राउंड वाटर भी निकालते हैं सोसाइटीज, तो वो भी आप मान सकते हो, तो हमारे कंजम्पशन के लिए पानी जो है बहुत लिमिटेड वाटर है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विद यू, ये देखो ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। भाई शेयर हो जा, देखो ओशंस में 97% है, ठीक है, उसके बाद जो बचा वो पोलर आइस में चला गया मेजर पार्ट, रिवर लेक और ग्राउंड वाटर के पास है 1%, और हमारे पास ग्राउंड वाटर सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नहीं हो रही, अरे यार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग, देखो तो 97% ओशंस, 3% बचा, उसमें से 2% पोलर के पास है, ग्लेशियर्स के पास है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका, 1% के अंदर दुनिया की पूरी रिवर, पूरी लेक्स और ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक वेपर्स, तो हमारे पास तो पीने के लिए बहुत ही कम पानी है, मतलब परसेंटेज वाइज देखा तो बहुत कम। बहुत कम पानी है हमारे पास, तो ध्यान रखना है एक्सेसिबल वाटर इज 1% और इवन लेस देन 1%। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, सॉयल में कितना है, में क्या है, रिवर में कितना है, लेक्स में 52% है, एक्सेसिबल वाटर इन प्लांट्स इज दिस मच, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, सो जस्ट यू शुड बी अवेयर। ओके यार, वाटर साइकिल समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है, वो पानी वेपोरेट होता है, ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है, क्लाउड फिर नीचे आ जाते हैं बारिश बन के, कभी रेन होती है, हेल होती है, स्लीट होती है एंड स्नो होती है, चार तरह से नीचे आता पानी, वाटर के यूज क्या बताना किसी को, कंजर्वस वाटर सोर्सेस, आई थिंक इसकी जरूरत तो नहीं है। ओहो ये आएगा भैया, ओके चलो ठीक है, काम करते फिर फ्रेश चैप्टर में कल ही शुरू कराऊंगा। अर्नव सर मेरे में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, वो थर्ड चैप्टर है। अच्छा हाँ, कहीं कहीं अलग चैप्टर दिया होगा, लेकिन इसमें तुम लोगों को तो आ रहा है सिया जिया अर्शिया, पूरा चैप्टर आ रहा है ना? सर आ रहा है। ठीक है ओके।
अर्नव कैन यू रीड? यस सर. मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये पढ़ दे एक बार. सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. मल्चिंग. द बैकग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. Contour barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. Rock dam. Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. हाँ, gullies word बता. तो ये actually हिंदी का जो word नहीं होता गली मोहल्ला. गली मतलब गली आज होता. गली मतलब water की गली उनको बोलते हैं जहाँ पानी अपना अपने बहने के लिए ऐसा एक छोटी सी ड्रेन टाइप की बना देता है. ड्रेन टाइप की बना देता है उसको गली बोलते हैं. छोटी सी मतलब कट मार के. क्या? टेरेस फार्मिंग. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. दे रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. रन ऑफ का मतलब होता है जो पानी भाग के जा रहा है. जो पानी बारिश का पानी भाग के जा रहा है और अपने साथ सॉइल लेके जा रहा है उसको बोलते हैं रन ऑफ. इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. कंटूर प्लोइंग. प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. शेल्टर बेल्ट्स. In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Okay, Arshia, you take on next, please. Yeah, okay, ये हमने पढ़ लिया. Water cycle से पढ़ दो, Arshia. Yes, sir. Water cycle. The total volume of water on the earth remains constant. It means water can neither be added nor be subtracted. Its abundance only seems to vary because it is constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back through the process of evaporation, precipitation. Sorry, क्या लिखा है? Precipitation. Precipitation and runoff. Okay, तो बता दो. Evaporation सबको पता है. ऊपर पानी जा रहा है. Precipitation में लगा चार तरीके से आता है. Rain, snow, hail and sleet. रेन का मतलब सबको पता है बारिश. स्नो भी सबने देखी होगी शिमला मनाली में जाके. हेल क्या होता है? हेल में होते हैं ओले पड़ते हैं. मोटे मोटे ओले पड़ते हैं. बारिश नहीं ओले पड़ते. वो ऊपर ठंडे इलाकों में ज्यादा होता है. यहाँ भी हो जाता है. स्लीट के अंदर क्या होता है? बारिश पड़ रही है लेकिन छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड स्लीट. रन ऑफ मैंने बता दिया. जो बारिश का पानी अपने साथ जाके मिट्टी को लेके उड़ा जाए उसको रन ऑफ बोलते हैं. या continue. This is referred to as water cycle. Uses of water. We can use water for a lot of purposes like for drinking, washing, in irrigation, for industries, for generating electricity, through reservoirs of dams and so on. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increased urbanization and rising standards of living are major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. Water pollution. Okay. So, देखो दो चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं. कहीं जगह वाटर खत्म हो जाए वो तो चलो that is a different story. But because of stupidity of human beings, when the water gets polluted and it is not usable by humans or the animals or fishes, that's a very sad thing to happen. जो फैक्ट्री के एफ्लुएंट्स बोलते हैं जो जो उनका डर्ट पार्ट होता है उसको डाल देते रेन में डायरेक्टली. पहले गवर्नमेंट में चलता था ऐसा. आजकल गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई. बहुत अच्छा हो रहा है. एक बात मेरे वर्ड तुम्हें बताना था. यहाँ पे रिजर्वॉय. इससे फ्रेंच वर्ड. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिजर्वॉय. रिजर्वॉय. सो हिंदी इंग्लिश में हम जनरली रिजर्वॉय बोलते हैं. रिजर्वॉय होता है डैम बनाया आपने. अब पानी इकट्ठा कर लिया. वो पानी इरीगेशन के लिए यूज करेंगे आप. कैनाल बना के लोगों को पानी पिलाने के लिए यूज करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करेंगे. तो डैम के पीछे जो पार्ट होता है जहां पानी जमा होता है उसको रिजर्वॉय बोलते हैं या रिजर्वॉयर. ओके आफ्टर अर्शिया आई वुड कॉल जिया टू आस्क रीड. जिया. प्रॉब्लम्स वाटर अवेलेबिलिटी. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. वाटर स्कैसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस रीजंस इंक्लूड मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको,
parts of South America and entire Australia. Climatic zone countries are most susceptible. Susceptible. To droughts face great problems of water scarcity. So, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water sources. Okay, guys, just 1 minute. Two things I just want to ask you. I hope everybody knows now, understood the meaning of these two words. Tell me, dono word ka matlab kya hai? Scarcity ka matlab hota hai kami, paucity. Scarcity means paucity, kisi cheez ka kami hona. Hindi mein bhi aa gaya. Okay, and precipitation, I have already told you, precipitation is rain, snow, sleet and hail. क्योंकि ऐसा होता है कई बार ना, आप लोगों के लेवल पे एक वर्ड भी ना समझ में आए तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा सेंटेंस बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, ये मुझे एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ो. तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. जिया के बाद प्रभुन, आई विल कॉल अपॉन यू टू रीड. लेट्स जस्ट गो अहेड आफ्टर दिस. या प्रभुन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कंजर्वेशन का मतलब बचाना, बचा के रखना. Conservation of water resources. Today, the world is facing water scarcity and access to clean and adequate water sources. Water is a renewable natural resource, but its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies, initial waste jo unka gandagi nikalti hai product banane ke baad, in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. Most of these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. In water. So now the governments, there's a national green tribunal at the level of the country. It's called NGT. NGT की बड़ी सख्त guideline होती है. NGT जब order pass कर देगी कि ये guideline follow होगी. Factories जो waste निकलेगा वो पहले treat होगा, उसके बाद ही नदी में जाएगा. तो उसका effect पड़ता है क्योंकि उनके inspectors होते हैं, वो उस पर fine लगता है factories के ऊपर. ये एनजीटी कुछ ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले बनी थी, तो बहुत पावरफुल बॉडी है. तो ये सब गवर्नमेंट अभी करना शुरू कर दिया है. एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना जरूरी है, आपने पहले उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है. ओके, मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन भी आप पढ़ दें, मैं शेयर कर रहा हूँ. इतना तो इसमें कुछ ज्यादा पता नहीं है मुझे. हाँ जी, पढ़े मेथड वाटर कंजर्वेशन. Methods of water conservation. Methods of water conservation are as follows. First, forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Second, water harvesting is another method to save surface runoff. Third, the canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Fourth, sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Fifth, in dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. Sixth, the valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. Okay, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक मिनट. दोस्तों, दो तीन पॉइंट समझा देता हूँ पहले, कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं. तो पहला वाला था फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है, जब पानी आता है ना बारिश का, फॉरेस्ट के जो ट्रीज है ना, वो उसको स्लो डाउन कर देते हैं. यहाँ ट्री है इतने सारे, तो फॉरेस्ट विल स्लो डाउन द वाटर. स्लो कर देगा, स्लो करके उसको रोकेगा, तो पानी यहाँ थोड़ा रुकेगा
और इसकी वजह से क्या होगा, रन ऑफ स्लो हो गया, स्लो रन ऑफ हो गया, और सेकंडली ये जो पानी रुका ना वो नीचे जाएगा वाटर, तो नीचे जो ग्राउंड टेबल है वो अपनी रिचार्ज हो जाएगी। नंबर सेकंड पॉइंट जो मैं समझाने वाला तुम लोगों को है, वाटर हार्वेस्टिंग सबको पता ही है यार कि जो पानी जरा वेस्ट ना जाए, जमीन के अंदर चला जाए, ऐसा स्लोप में बार बार मगरपट्टा का आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, जहां मैं रहता था इससे पहले आने से पहले, तो वो जो दिखा दूं तो तुम्हें 1 मिनट लगेगा, मगरपट्टा सिटी वाटर हार्वेस्टिंग। मैं एक्चुअली रहा हूं यहाँ पे, हम लोग करीब 8-9 साल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिटी की जो चीज है तुम्हें देखने, ये देखो वाटर हार्वेस्टिंग, पूरा सिटी ऐसे बना हुआ है, पूरे सिटी का जो डेवलपमेंट ऐसा है, ऐसा स्लोपिंग कर रखी है पूरे सिटी में कि सारे सिटी का जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा होता है, और जहां पे रोड है ना, रोड नहीं है वहां पे इंटरलॉकिंग टाइल्स बना रखी है ताकि पानी जो गिरे बारिश का लॉक टाइल्स के नीचे से सीप पानी के अंदर चला जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा मॉडल बनाया उन लोगों ने, बहुत अच्छा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ में आ गया हमारी। नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कैनाल्स के अंदर क्या है। ये पॉइंट बहुत थोड़ा सा अलग है। हमारी कैनाल्स होती हैं, कैनाल के अंदर पानी आ रहा है, कैनाल बनी हुई है, कैनाल में पानी आ रहा है, तो अगर हम कैनाल को कच्चा छोड़ देंगे तो बहुत सारा पानी अंदर चला जाएगा, इधर इन दीवारों में, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। हमें क्या करना होता है, इसकी लाइनिंग करनी पड़ती है ब्रिक्स से या सुटेबल मटेरियल से, ताकि यहां सीपेज ना हो पानी की, दिस इज कॉल्ड लाइनिंग, ताकि वाटर अंदर ना जाए, ये वाटर ना जाए अंदर, सीधा सारा पानी इधर चलता, नहीं तो क्या होगा, जब कैनाल जहां से शुरू हुई वहां से पानी चलना शुरू हुआ, पूरा पानी ऐसे चला गया, लास्ट में पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा पानी बचेगा। तो ये पॉइंट ये था सीपेज का। स्प्रिंकलर तो सबको पता है, सबने सेंट्रल पार्क में देखा होगा, बजाय इसके कि पानी का पाइप छोड़ रखा है फुल, स्प्रिंकलर यूज करो ताकि सारे के सारे एरिया में पानी पहुंच जाए। एक वर्ड होता है ड्रिप इरिगेशन, आप लोगों ने देखा होगा ट्रिकल इरिगेशन, खासकर महाराष्ट्र वगैरह में यूज होता है। तो ये आपके प्लांट है, आप क्या करते हो, एक पाइप बिछा देते हो इधर वाटर का, उसके वाटर पाइप में होल कहाँ रहता है, सिर्फ जहां पे उसकी प्लांट की रूट है वहां से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, यहां पानी नहीं गिरता, तो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप और ट्रिकल, ये बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत होता है, जो ड्राई रीजन है। ओके ऋत्विक तावरी आप पढ़े आगे। ओके सर, चलो पढ़ो, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। हाँ भाई चलो, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या अभी? हाँ कर दे टाइम। हाँ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other. Cutting, please. System is known as the ecosystem. Natural vegetation. Plants provide us with a number of products like timber. Timber of the lakdi. Produce oxygen we breathe. Protect soils so essential for growing crops. Act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, serpentine oil, gum, medical plants, papers, and uncountable मतलब बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या वर्ड यूज किया, अनकाउंटेबल। ठीक है ऋतिक आप होल्ड करना, आपके पास थोड़ी सी फटी आ रही है। शिखा कैन यू टेक ऑन फ्रॉम हियर वाइल्ड लाइफ। Wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They fishes, provide aquatic us a life form of fishes. They provide us a number of products such as milk, meat, hides, and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture is known as
scavenger and cleanser of the environment by feeding on dead livestock. ओके दो वर्ड बताता हूँ, लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल होता है, दूसरा यहाँ पे एक वर्ड आता है हाइड। तुम लोगों सर हाइड क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बैक की बैक पार्ट की जो स्किन होती है उसको हाइड बोलते हैं, उससे ज्यादातर लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation is mainly dependent upon temperature and moisture. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The size of trees and their destiny reduces if the amount density, of density density huh? density reduces if the amount of moisture decreases. Types okay. of vegetation. The types of vegetation are as follows. Forests. In the broad term, forests are classified as evergreen and deciduous forests based on when they shed okay, their deciduous leaves. होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं कुछ मौसम पतझड़ के मौसम में, ऑटम में जिसकी पत्तियां गिर जाती हैं ऑटम में और पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं, उनको deciduous बोलते हैं। ड्रॉप डी फॉर deciduous, डी फॉर ड्रॉप, पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं। एवरग्रीन है, उसकी पत्तियां कभी नहीं गिरती। उसका रीजन ये नहीं कि पत्ती गिरती नहीं, गिरती तो रहती है, लेकिन जैसे कुछ पत्तियां गिरती हैं तो दूसरी वाली नई नई बनती रहती है। सारी पत्तियां एक साथ, सारी लीव्स एक साथ फॉल नहीं होती, वो होता है एवरग्रीन। कंटिन्यूस प्लीज। एवरग्रीन फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस्ट मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द location in different latitudes. Yeah, different latitudes. अलग अलग जगह latitude. हाँ, grassland सबको पता है, वो steps होते हैं और अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। Grasslands, they are found in regions of moderate rainfall, which also have short stunted trees. Okay, continue कर पर तू ही खत्म कर यार, पढ़ के time नहीं अभी। Scrubs. They are grown in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra. The vegetation of cold polar regions comprises. It's called tundra. Polar region में tundra होता है. Conservation of natural wildlife. ये तो ठीक है, ये सब ठीक है. एक word याद रखें ना. There is an international convention or agreement. Convention मतलब agreement. उसको बोलते हैं साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। रीजन क्या हुआ, लोगों को पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया कि जो राइनोसोरस है उसका हॉर्न जो होता है उसमें बड़ी ताकत होती है, टर्टल जो होता है उसके जो शेल होता है उसमें बड़ी ताकत होती है। बड़ी पता नहीं कहाँ से लोगों को ख्याल आ गया, कोई पर्टिकुलर फिश है उसके अंदर बहुत ताकत मिलती है, प्रोटीन है उसके अंदर, ये है। तो लोगों ने उसकी स्मगलिंग शुरू कर दी मार मार के उनको। तो धीरे धीरे ये जो स्पीशीज थे ये कम होने शुरू हो गए, एंडेंजर्ड हो गए, खत्म होने का मतलब आ गया इनका मामला। तब जाके गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सारी इंटरनेशनल गवर्नमेंट एग्री हुई, उन्होंने एक एग्रीमेंट कराया कि इन चीजों की स्मगलिंग, किलिंग, ट्रेड सब बैन है। तो साइट्स के हिसाब से बहुत सारी लिस्ट हर साल वो इशू करते हैं कि दीज आर द एनिमल्स विच विल नॉट बी ट्रेडेड, किल्ड और दिस थिंग, एनीबॉडी फाउंड इन पोजीशन ऑफ दीज will be sent to jail. So this is what the international treaty on endangered species talks about. Okay guys, I'm stopping the sharing now. So any doubts, I'll take it tomorrow. Tomorrow what I plan to do is I want to start the chapter of understanding laws, because that's a short chapter. Main jaldi kara dunga aap logo ko. And then I want to take you to power minerals. Wo chapter lamba hai, time consuming hai, wo tumhe khud se baith ke karna padega. Theek hai, notes mein dono ke bhej dunga. Right now, time to say goodbye. Any questions, ask me on the WhatsApp or I'll take them tomorrow. Better you ask me on WhatsApp. I will send you the solutions. Okay. Chalo, theek hai then. We meet tomorrow. Abhinav, Ritvik Chandel, Arnav, Arshia, bye. Jia, Agun, Ritvik, Shita, bye, sir. Tia, Shiv Chaudhary, Tasmiya. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.